नौबती के ये फूल चेहरे को देंगे गुलाबी गोरा निखार, अगर कहीं मिल जाए तो चुपके से ले आइए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई एम नैना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट सिंधी। गाइस, आज मैं आप सभी से आपकी स्किन को पिंकिश, ग्लोइंग एंड ब्यूटीफुल बनाने वाला एक नेचुरल रेमेडी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों बरसात के टाइम में हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उनको कैसे यूज़ करना है। उसी तरीके से हर घर में, ज़्यादातर घरों में नौबजी के फ्लावर आते हैं, और नौबजी के इन फूलों को आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। नौबजी के जो ये फ्लावर्स आप देख रहे हैं, जो पिंक और वाइट कलर के होते हैं, जिसमें कि मैं आज पिंक कलर के फ्लावर्स यूज़ करने वाली हूँ स्किन के लिए। एक्चुअली इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई और काफ़ी सारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा पिंकिश, ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में काम आते हैं। तो नौबजी के फ्लावर से आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग पैक बनाकर दिखाऊंगी, जिसका यूज़ करके आप अपनी स्किन को ग्लोइंग, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आप तो नौबजी के इन फ्लावर्स को आप अच्छी तरह से वॉश करके यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले इनको अच्छे से निकाल लीजिए, इनकी डंडियों के पास से आप इसको तोड़ दीजिए। इनकी जो पत्तियां हैं इनको आप दोबारा से लगा सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छे से उग जाती हैं और फिर से इन पर फ्लावर्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले नौबजी की इन फ्लावर्स को आप वॉश कर लें, उसके बाद इस तरीके से आप इनको अलग कर लीजिए। आप इसको अपने बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम एक नेचुरल रेमेडी तैयार करने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले एक बॉल के अंदर आप ये निकाल लीजिए नौबजी के फ्लावर्स, और एक क्रशर की मदद से आप इसको अच्छे से कूट लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होता है, इसके अंदर एक लिक्विड पदार्थ आपको लगेगा, और जो ये लसलसा सा पदार्थ होता है ये आपकी स्किन के लिए एंटी एजिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। और दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए, अच्छी तरह से आप इसको किसी भी क्रशर की मदद से कूट लीजिए, और इसको कूटते टाइम आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल दीजिए, जिससे कि इसके अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए। तो अच्छी तरह से इसको आप करते जाइए और इसका पेस्ट बन जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसको एक बॉल के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे पास है ये गेहूं का आटा, हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये स्किन की टैनिंग को भी दूर करता है, साथ ही एक नेचुरल ग्लो भी आपको देता है। तो इसमें ऐड कर दीजिए 1 चम्मच गेहूँ का आटा। उसके बाद दोस्तों आप इसके अंदर ऐड करें रोज़ वाटर, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। इस पेस्ट को आप अपने फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद आप इसको थोड़े टाइम के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, और ये जो फेस पैक है इसको आप फ्रिज के अंदर 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो, और इसको यूज़ करने से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा पिंकिश और ग्लोइंग होगी। तो ये बहुत ही कमाल की रेमेडी है, इसको फेस पर रखने के बाद अच्छे से रिमूव कर लो और आप अपने स्किन में एक नेचुरल ग्लो देख पाओगे, साथ ही कई सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, जैसे कि ओपन पोर्स की प्रॉब्लम दूर होगी, डल स्किन की प्रॉब्लम दूर होगी, एक नया लुक आपके स्किन में आएगा। सो ट्राई करके ज़रूर देखना इस रेमेडी को। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।